Yes, Jaydin Anupam, class 7th student. Now we study about seed production. Okay. Yesterday we study about the life cycle of the silkworm. Last year, last video में हमने silkworm की life cycle के बारे में study किया था. Now today we study about silkworm production, silk का धागा कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में study करेंगे. Okay. इससे पहले हम एक activity देखते हैं. Okay. Activity में बताया गया है कि जो activity में एक हम silk जो है artificial silk का thread लेंगे, artificial silk, और हम एक जो है नेचुरल सिल्क का भी क्या करेंगे, हम थ्रेड लेते हैं. आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क दोनों को हम क्या करेंगे, जो मैजिस्टिक होता है मैजिस्टिक जलाकर इसको हम क्या करेंगे, मैजिस्टिक के थ्रू जलाएंगे, ये तो बर्न करेंगे, है ना. वी बर्न आर्टिफिशियल सिल्क एंड नेचुरल सिल्क, दोनों सिल्क के थ्रेड्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक के बाद एक बर्न करके देखेंगे. देखने पर हमें नोटिस करना है कि किस तरह के सिल्क में, आर्टिफिशियल सिल्क में कैसी स्मेल आती है और जो नेचुरल सिल्क में कैसी स्मेल आती है. तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी में बताया गया है, इससे यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, बिकॉज ये वुड पल्प का बना होता है, इसलिए इसमें वुड के जैसे लकड़ी के जलने की जैसी स्मेल आती है. ओके. तो जो है इसमें से धुआं भी निकलता है साथ, लेकिन जो नेचुरल सिल्क होता है इसको बर्न करने पर इसमें ज़्यादा जो है इसमें लकड़ी के जलने के इसमें नहीं आती, बिल्कुल इसमें कम आती है इसमें, और धुआं भी नहीं निकलता. ओके. तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो बेड स्मेलिंग होता है, और जलने पर ये नॉन स्मेलिंग होता है. ओके. कोई स्मेल नहीं होती. इसके बाद आप सिल्क प्रोडक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है विंटर सीजन के पहले क्या करते हैं, जो मलबेरी की लीव्स होती है, मलबेरी लीव्स के ऊपर जो एग्स होते हैं, इस सिल्क वर्म के जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उन एग्स को क्या करके कलेक्ट कर लेंगे, एग्स या अंडे को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे हम, कलेक्शन करते हैं एग से, कलेक्शन करके उन सभी को क्या करते हैं, पहले वाश करते हैं, जिस तरह की बुक में दिया गया है, ठीक है, वाश कर लेते हैं या धो लेते हैं. वाश करने के बाद जो एग्स होते हैं, उन एग्स को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन में रखते हैं, मतलब कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, गर्मी में उनको हायर टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रखते हैं या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. टेम्परेचर प्रोवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, एग्स को टेम्परेचर आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं, उनको गर्म करते हैं. आर्टिफिशियल टेम्परेचर देने पर वर्म के अंदर जो है, एग्स के अंदर से जो है सारे सिल्क वर्म बाहर आ जाते हैं, जो एग्स होते हैं उनमें से जो वर्म होता है सिल्क वर्म होता है बाहर निकल आता है. तो एग्स में से सिल्क वर्म को बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे हैचिंग कहते हैं. हैचिंग प्रोसेस के बाद जो सारे वर्म बाहर निकल आते हैं, सारे वर्म को क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स के ऊपर छोड़ देते हैं, मलबेरी लीव के ऊपर उनको डाल देते हैं, जिससे कि वो मलबेरी लीव्स को फीड करते रहते हैं या खाते रहते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ों की पत्तियों में से एग्स क्या कर लेते हैं, कलेक्ट इकट्ठा करके उनको वाश करते हैं, और वाश करने के बाद लेबोरेटरी में उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एग्स में से सारे वर्म या कीड़े बाहर निकल आते हैं. इन कीड़ों को मलबेरी लीव्स के ऊपर डाल देते हैं या वहाँ पे मलबेरी लीव्स रख देते हैं, जिससे कि वो फीडिंग करते हुए दिखाए जाते हैं या मलबेरी लीव्स को खाते हैं. लगभग 4 से 5 वीक्स तक क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स को फीडिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं. उसके बाद में ये जो लीव जो वर्म होते हैं, वर्म कोकून स्टेज में आ जाते हैं. कोकून स्टेज में क्या करते हैं, अपनी स्पिनिंग के थ्रू अपनी जो बॉडी से एक प्रकार का जो है सेलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सिलेबा प्रोड्यूस करके उसके अंदर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं और कोकून बना देते हैं, कोकून बना देते हैं. ओके. ये जो कोकून की कंडीशन होती है, कोकून वाले जो भाग होते, कोकून वाला जो स्टेज होती है, कोकून स्टेज में सभी वर्म जो कोकून बना देते हैं, कोकून के अंदर बन देते हैं. बाद में क्या करते हैं, जो कोकून वाली स्टेज है, इसी स्टेज में क्या करते हैं, जितने भी जो कोकून वाला
जो वर्म है उनको हॉट वाटर में या बॉइलिंग वाटर में क्या कर देते हैं, बॉइल्ड वाटर में, बॉइल्ड वाटर में उनको डाल देते हैं कोकून। कोकून को बॉइल्ड वाटर में डालने पर जो इंसेक्ट होता है वो तो डिस्ट मर जाता है, कीड़ा मर जाता है, लेकिन जो उनका जो कोकून का जो कवर है, ये कोकून उस कोकून जो होता है थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है या धागे में बदल जाता है, और सिल्क का जो धागा होता है या थ्रेड होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कोकून स्टेज में उनको क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे कि जो है कोकून पिघल जाता है और लंबा थ्रेड बन जाता है। बाद में जो है प्रोसेस के थ्रू जो है उसको निकाल करके लंबा जो सिल्क का थ्रेड प्राप्त कर लिया जाता है, उसे ड्राई कर लेकर सुखा लिया जाता है। ओके तो इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं। ओके।